सूचना के अधिकार से जुड़े कार्यकर्ताओं के लंबे संघर्ष के बाद यूपीए सरकार के पहले कार्यकाल में सूचना का अधिकार कानून बना था, लेकिन मौजूदा केंद्र सरकार उसमें संशोधन की तैयारी कर रही है। वहीं आरटीआई से जुड़े कार्यकर्ताओं का कहना है कि संशोधन के बहाने सरकार कानून को कमजोर कर रही है और अगर ऐसा हुआ तो वे सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर होंगे। हमारे सहयोगी सिद्धार्थ पांडे ने इस बारे में आरटीआई से जुड़े कार्यकर्ताओं से बात की। केंद्र सरकार ने आरटीआई में संशोधन जो है उसको इंट्रोड्यूस कर दिया है लोकसभा में। सरकार का कहना है कि इन अमेंडमेंट से आरटीआई और मजबूत होगा। आपका कहना है कमज़ोर है, सच्चाई क्या है? देखिए, सूचना का अधिकार कानून जो है उसमें एक बहुत ही अहम रोल है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर्स का, क्योंकि अगर लोग सूचना मांगते हैं जो सरकार के लिए इनकन्वीनियंट है, सरकार नहीं देती, तो लोग अपील या कंप्लेंट में आयोग में जाते हैं और आयोग के पास पावर्स हैं कि वो सरकार को कहें कि आप सूचना दीजिए, और पेनल्टीज़ के भी पावर हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि जो कमीशन्स हैं वो इंडिपेंडेंटली काम करें, कमिश्नर्स को कोई डर नहीं हो, कोई दबाव नहीं हो और वो अपना काम कर सकें। अब ये जो अमेंडमेंट बिल है, इसमें सरकार कोशिश कर रही है कि जो टेन्योर है, जो कार्यकाल है और सैलरीज और टर्म्स ऑफ सर्विस है कमिश्नर्स की, वो अब सरकार, केंद्रीय सरकार तय करेगी। अभी जो मौजूदा ढांचा है उसमें 5 साल का टेन्योर है। अगर आप बनते हैं इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो कोई ये सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी देर तक आपका टेन्योर रहेगा, और जब तक आप 65 ईयर्स तक के नहीं हो जाते, अप टू 65 ईयर्स, 5 साल का फिक्स टेन्योर है। साथ ही सैलरीज जो है वो पार्लियामेंट तय करती है, क्योंकि दे आर द इक्विवेलेंट ऑफ इलेक्शन कमिश्नर्स की सैलरीज, जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर है, और ये हाई स्टेटस है जिससे कि जो जो कमिश्नर्स हैं वो हाईएस्ट ऑफिसेस को भी जो है वो देने में ऑर्डर्स हिचकिचाए नहीं, डरे नहीं। जाहिर सी बात है कि आज ये सरकार है, कल कोई और होगी, परसों कोई और होगी, लेकिन कानून जो है, क्योंकि बीजेपी ने भी इसका इस्तेमाल किया है, काफ़ी स्कैम्स निकाले हैं बीजेपी ने, सो आपके हिसाब से कितना बड़ा सेटबैक होगा ट्रांसपेरेंसी के लिए और आम आदमी के लिए, जो एक उसके हाथ में औजार आया है करप्शन से लड़ने के लिए? देखिए, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई के मामले में कि वो एक तरह से केज पैरट बन गया है, मुझे लगता है अगर इस विधेयक को अगर पार्लियामेंट में पारित किया जाएगा, सारे सूचना आयोग जो हैं वो केज्ड पैरट ही बन जाएंगे, सरकार के कंट्रोल में रहेंगे, क्योंकि सरकार खुद तय करेगी कि कितने कार्यकाल तक वो काम करेंगे और किस प्रकार की तनख्वाह उनको मिलेगी, तो कौन जो है सरकार के बताए हुए दिशा से हटकर काम करना चाहेगा। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर ये जो प्रस्ताव है संशोधन कानून को संशोधित करने का, ये बिल्कुल नकारात्मक है, और आरटीआई का के वजह से जो सरकार के कामकाज में जो पारदर्शिता आई है हर स्तर पर, उसको तो ज़रूर धक्का पहुँचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे वेंकटेश बता रहे थे कि इसको एकदम केज पैरेट के तरीके से बना दिया जाएगा, जितने इन्फॉर्मेशन कमीशन हैं, चाहे वो सेंट्रल कमीशन हो या स्टेट कमीशन हो, अगर ये अमेंडमेंट्स जो हैं वाकई ही पास होते हैं पार्लियामेंट में, लेकिन इसके विषय में काफ़ी जो है विरोध आ रहा है, लोगों से आ रहा है और आरटीआई एक्टिविस्ट से भी आ रहा है, कैंपेनर्स से आ रहा है कि ये स्टेप जो है ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ है। नई दिल्ली में सिद्धार्थ पांडे, गो न्यूज़।